हाँ मैं हिंदू और ये देश हिंदुस्तान है, प्रधानमंत्री हिंदू क्योंकि बहुमत है अवाम है, मुझे गर्व मेरी सोच मेरी रूह भी हिंदू, तभी मुंह में हिंदू हर वक्त जय श्री राम है। हमारा ही खाते हो तुम फिर हमारा ही विरोध, राम मंदिर के ऊपर तुमने बाबरी बनाया, जिसको शक उसकी कब्र दूंगा खोद, मेरा जायज है क्रोध। जय श्री राम। धर्म की रक्षा की बात हो हम डरते नहीं, हम वीर गति को प्राप्त हम मरते नहीं, तुम धर्म के नाम पे खुद को माइनॉरिटी मानते, खुद को ही हो बांटते बेशर्ते सही क्यों, पर हम धर्म की बात करें तो हम संघी गुंडे दंगई, पर किसने बढ़ाया आतंकवाद, दुनिया में सच्चाई होती कम नहीं। मानवता की मौत तुम, दानवता की फौज तुम, क्या कहना पड़ेगा कि आतंकवाद की कौम तुम। कश्मीर में वही लाशें, कितनी औरत कितने बच्चे, पर वो हिंदू थे उस समय क्यों मौन तुम, कौन तुम। तुम देशद्रोही वेश वही, इस देश की मिट्टी नहीं तुम्हारे हाथ में पत्थर, फेंक दो ये जवानों पर भगवानों पर और हम सहते रहे रहा सैड स्टोरी। अगर श्री राम ने हमें दया सिखाई तो लक्ष्मण ने सिखाया करना अंत भी, तुमने दिया जिन्ना को जन्म, जाओ पाकिस्तान ये धरती स्वामी विवेकानंद की। अरे अल्लाह के नाम पे छाती पे बॉम्ब लपेट के शहादत की चाह नहीं, ये आदत तुम्हारी, लाना तुम्हारी सोच पे जो दूसरे धर्म को कोसते, जिहाद की फसाद भी पैदावार है तुम्हारी, और बुरके की आड़ में कितनी बार तुम बचकर दिखा चुके असली मकसद, कौ तस्कर कौ भक्षक सौ लश्कर ताइबा तुम्हारी कौम की नस्ल। अरे गाय को माता नहीं तो कम से कम मानो एक जानवर, तुम खाते उसको चीर कर उसमें भी जान, ये जानकर याद रखना ये पाप धुलेगा नहीं छान कर, क्योंकि उसकी जगह तुम्हारे पेट में नहीं, उसकी जगह खुले मैदान पर। ओ गॉड। और कल की बात है, तुमने उकसाए कितने छात्र, भड़काए कितने दंगे, जलाए कितनी बसें, फहराए कितने तिरंगे, लड़ी कितनी जंग तुमने देश प्रेम के लिए, तुम्हारे देश प्रेम में लग जाता इतनी आसानी से क्यों जंग है। तुम्हारे पूर्वज हिंदू उत्थान के, फिर भी तुम बोझ भारत माँ की शान पे, तुम्हें भगवा से नफरत है, नारसी से नफरत, सीधा कह क्यों नहीं देते तुम्हें प्यार पाकिस्तान से। खैर हर सिक्के के दो पहलू, सोचा पहले मैं कह लूं, मैंने बोला तूने साहब, तू बोल थोड़ा मैं सह लूं। जय श्री राम, जय श्री राम। शायद हिंदुस्तान के मतलब से तू रूबरू ही नहीं, डम फक हुजूर बेवकूफ, गौमूत्र का नशा कम कर। हिंदुस्तान का अर्थ सिंधु नदी के पार की धरती, ना कि हिंदुओं का स्थान, पर तू डम फक, क्या बोलूं तुझे, डम भक, तुझे दिखता ना भेदभाव, तुझे लगते हम सब हम शक्ल, तुझे दिखते हम सब के हाथ में कंकड़, तेरी बात कराऊं क्या अपने वालिद से, जो तुझसे बड़ा देशभक्त, भारत की आर्मी में गर्मी में सर्दी में तैनात कश्मीर में इस वक्त, ओ सॉरी कश्मीर में अभी आउट ऑफ संपर्क, और भय में जीना भयंकर, लेकिन इस लोकतंत्र में जमकर होती मॉब लिंचिंग और भीड़, वीडियो बनाती जय श्री राम चिल्लाती पुलिस चुप, सरकार आंखों में पट्टी लगाती, ये राम राज्य नहीं ये वनवास, ये जंगल, ये जंगल। तुम बनते गौर रक्षक, पर लगभग हर सड़क पर इस मुल्क में जी रही गाय मर मर कर, और जिस हुकूमत में बलात्कारी और अपराधी राजनीति में मिल जाए, मेरा ईमान नहीं देता इजाजत, पर क्योंकि वो तेरे ही मजहब के जातू, उनका खुल के समर्थन कर क्यों। और बुरका एक प्रतीक हया का कुरान में, जा जाके देख क्या लिखी मर्यादा वेद पुराण में, पहले झांक खुद के गिरेबान में, पहले अपना तन ढक। हाँ किया कुछ लोगों ने अल्लाह अकबर बदनाम, पर सुनकर राम का नाम, वो दिन दूर नहीं जब होंगे कत्ल सरेआम, और प्रशासन होगा मौन, क्योंकि संविधान की रीढ़ को तोड़कर चीर मरोड़ कर करना चाहते ये हिंदू राष्ट्र का निर्माण, ये वनवास, ये जंगल, ये जंगल। हिंदुत्व के रक्षक, क्या बोलू तुम्हें, हिंदुत्व के राक्षस, अगर सर्वाइवल की बात हो, एक मुस्लिम और एक गाय हो, तुम खा जाओगे मुसलमान को बेशर्त, ये बात शत प्रतिशत सच। और ये जमीन किसी के बाप की नहीं, तो हमें ये भय नहीं कि तुम्हारा हिंदुत्व इस्लाम की कब्र खुदवा न दे, भैये कहीं तुम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम भी इतिहास से भुलवा न दे, भैये कहीं भगवा का भार भाईचारे को इस देश के भार भगवा न दे। अरे बचपन में टीवी में जय श्री राम सुनने को मिलता था, तो दिखते थे छाती चीरते हुए हनुमान, और आज दिखते हैं हाथ में तलवार लिए हैवान शैतान, क्या शास्त्रों में शस्त्र ही वीरता की पहचान। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल पहलू और सिक्के के दो अलग, हर बंदे की सोच
तो क्यों ना इस कट्टरवाद जहनियत को छोड़ बड़े भाईचारे की ओर इंसानियत की ओर इंसानियत की ओर। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है।